जिनको भी 6 चक्का ऑप्शन में एक हेवी ट्रक चाहिए उनके लिए दोस्तों अशोक लेलैंड ने बहुत ही नया 2 ट्रक को लॉन्च किया है, जिनमें कि दोस्तों एक तो है 1922 CNG ट्रक जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है, और एक ट्रक होता है दोस्तों अशोक लेलैंड का इकोमेट स्टार 1915। ये जो मॉडल है दोस्तों कुछ दिन पहले लॉन्च किया है, दोनों ही दोस्तों हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, दोनों ही बहुत ही नया मॉडल है। दोनों ट्रक का जो GBW रहता है वो रहता है 18,500 kg का, और दोनों का ही एक्सेल कॉन्फिगरेशन 4x2 में आता है। जो इकोमेट वाला गाड़ी रहता है दोस्तों वो अशोक लेलैंड का फेमस इकोमेट जो कैबिन है उसी का साथ आ जाता है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही स्पेसियस और बहुत ही आरामदायक कैबिन मिल जाता है। वहीं पर ही जो 1922 मॉडल है ये दोस्तों काउल मॉडल का साथ आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप अपने हिसाब से बाद में बनवा सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पर दोस्तों जो इकोमेट वाला गाड़ी रहता है वो इंटरसिटी या फिर इंट्रासिटी जहाँ पर फास्ट डिलीवरी रहता है, बहुत ही फास्ट डिलीवरी और हल्का फुल्का लोड लंबी दूरी में, उन तरह के सीनरी में जो इकोमेट वाला गाड़ी रहता है वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है, क्योंकि वो डीजल में ऑप्शन में आता है और ये दोस्तों अपने आपको प्रूव कर चुका है इकोमेट वाला गाड़ी। और ये जो 1915 वाला मॉडल है दोस्तों ये MNHCV कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी हॉलिस ट्रक से। ये दोस्तों एक हेवी ट्रक है, और इसका जो दोस्तों मेन जो इसका खासियत है वो है इसका CNG होना। ये ट्रक दोस्तों 1922 जो है वो CNG में ही मिलता है, इसका कोई ऑप्शन दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये जो गाड़ी है मेनली जो टैंकर एप्लीकेशन होता है दोस्तों, जो कंटेनर एप्लीकेशन होता है उसी के लिए इस गाड़ी को स्पेशली बनाया गया है मेरे हिसाब से, जो 1922 वाला मॉडल है। ये गाड़ी दोस्तों जो कंटेनर होता है वो लंबी दूरी में दोस्तों जो डिलीवरी होता है हल्का लोड, जिसका जो पेलोड है वो कम रहता है, उन तरह का लोड में ये गाड़ी बहुत ही अच्छा से चलेगा। इसका दोस्तों फुल टैंक कैपेसिटी में करीब दोस्तों 1150 किलोमीटर का जो रेंज है वो भी दे देता है। तो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए इनमें से कौन सा गाड़ी बेटर रहेगा और आपके लिए कौन सा गाड़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ये 1922 वाला मॉडल या फिर 1915, दोनों ही दोस्तों जो पेलोड है और जो GBW है करीब करीब सेम ही है। GBW जो रहता है वो रहता है 18,500 kg का दोनों ट्रक का ही, लेकिन दोनों ट्रक अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है और दोनों ट्रक का जो फ्यूल है वो अलग टाइप का मिल जाता है। तो आपके लिए कौन सा गाड़ी बेटर रहेगा वो इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल रख लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों ने बहुत ही नया जो 1922 जो CNG ट्रक है इसका बारे में डिटेल में जानना है तो मेरी इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इन दोनों ट्रक का फुल स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले दोनों ट्रक का जो इंजन और परफॉर्मेंस है इसके बारे में बात करते हैं। जो दोस्तों जो 1922 वाला मॉडल रहता है उसमें अशोक लेलैंड का एस सीरीज का TCIC CNG इंजन मिल जाता है। वहीं पर ही जो इकोमेट वाला गाड़ी रहता है उसमें अशोक लेलैंड का एस सीरीज का CRS IGN 6 टेक्नोलॉजी वाला जो डीजल इंजन है वो मिल जाता है। जो पावर फिगर रहता है दोस्तों वो जो 1922 वाला मॉडल है उसमें दोस्तों जो पावर रहता है वो 220 हॉर्स पावर का मिलता है, और वहीं पर ही जो इकोमेट वाला गाड़ी रहता है उसमें दोस्तों 150 हॉर्स पावर का पावर मिलता है, जो कि आ जाता है 2400 RPM में। जो टॉर्क मिल जाता है दोस्तों जो 1920 वाला मॉडल है उसमें जो टॉर्क आ जाता है वो करीब 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि 1300 से लेके 1900 RPM का आसपास मिल जाता है। और वहीं पर जो इकोमेट वाला गाड़ी रहता है उसमें दोस्तों जो टॉर्क आ जाता है वो 450 न्यूटन मीटर का आ जाता है, जो कि आ जाता है 1250 से लेके 2000 RPM का बीच में। तो यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों जो 1920 वाला मॉडल है जो दोस्तों हॉलिस ट्रक है जो काउल ऑप्शन में मिलता है, उसका दोस्तों जो पावर और जो टॉर्क है वो डबल है एज़ कम्पेयर टू हम लोग जो इकोमेट वाला गाड़ी है उससे। तो ये जो दोस्तों हम लोग का जो 1922 वाला मॉडल है ये दोस्तों एक हेवी ट्रक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया वो एक हॉलिस ट्रक है, तो इसमें दोस्तों आप लोग हेवी लोड लेके लंबी दूरी में आराम से जा सकते हैं। ये दोस्तों इसी पर्पज़ के लिए इस गाड़ी को बनाया गया है और आप इस गाड़ी को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से ये जो गाड़ी है ये कॉन्टेनर बनाने के लिए इस गाड़ी को बनाया गया है अशोक लेलैंड द्वारा, ये मेरे हिसाब से। जो डिस्प्लेसमेंट रहता है यानी दोस्तों जो इंजन का जो साइज रहता है वो दोस्तों जो 1922 वाला मॉडल है उसमें दोस्तों आप लोगों को 5660 cc का इंजन मिल जाता है। वही वाली दो दोस्तों जो इकोमेट वाला गाड़ी रहता है उसका जो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रहता है इंजन का वो रहता है 3839 cc का। तो यहाँ पर जो इंजन है वो भी दोस्तों जो CNG वाला गाड़ी है यानी 1922 उसमें बड़ा मिलता है एज़ कम्पेयर टू इकोमेट वाला गाड़ी। वहीं पर जो इंजन का सिलेंडर रहता है मानी इंजन में कितना सिलेंडर आ जाता है, जो इकोमेट वाला गाड़ी है उसमें 4 सिलेंडर इंजन रहता है और जो CNG वाला गाड़ी यानी 1920 वाला गाड़ी रहता है उसमें दोस्तों 6 सिलेंडर मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली जो इंजन का डिस्प्लेसमेंट, इंजन का साइज और इंजन का नंबर ऑफ सिलेंडर वो जो CNG वाला गाड़ी है यानी 1922 जो हॉलिस ट्रक है उसमें ज़्यादा मिलता है। तो इंजन का हिसाब से अगर देखा जाए पावर और जो इंजन का साइज वो हम लोग का जो CNG वाला गाड़ी है यानी 1922 उसमें बड़ा मिलता है एज़ कम्पेयर टू इकोमेट। जो ट्रांसमिशन आ जाता है इन दोनों गाड़ी का उसका हमें बात करते हैं। तो दोनों गाड़ी में दोस्तों सिमिलर टाइप का ट्रांसमिशन मिल जाता है। जो इकोमेट वाला गाड़ी रहता है वो दोस्तों 6 स्पीड का 6 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर का साथ जो केबल शिफ्ट मैकेनिज्म के ऊपर काम करने वाला जो ट्रांसमिशन है वो मिल जाता है। सिमिलरली जो 1922 मॉडल है उसमें भी दोस्तों 6 स्पीड का 6 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर का साथ जो केबल शिफ्ट मैकेनिज्म के ऊपर काम करने वाला जो ट्रांसमिशन है वो मिल जाता है। जो गियरबॉक्स आता है वो जो इकोमेट वाला गाड़ी है उसमें तो सिंक्रोनस टाइप वाला गियरबॉक्स मिल जाता है। और वहीं पर ही जो 1922 वाला मॉडल है इसमें दोस्तों जो अशोक लेलैंड का 6S 850 का जो गियरबॉक्स है वो मिल जाता है, मानी हेवी गियरबॉक्स जो है वो आप लोगों को 1920 मॉडल में मिल जाएगा। जो क्लच आ जाता है इस दोनों गाड़ी में उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो दोस्तों जो इकोमेट वाला गाड़ी है इसमें जो क्लच आ रहा है वो 330 mm डाया का एक क्लच बूस्टर के साथ क्लच आ रहा है, और जो 1922 वाला मॉडल है उसमें दोस्तों 362 mm का डाया का ऑर्गेनिक क्लच विद क्लच बूस्टर आ रहा है।
तो क्लच का जो साइज है वो भी दोस्तों जो 19-22 वाला मॉडल है उसमें ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू इको में। जो मैक्सिमम स्पीड ये दोनों गाड़ी दोस्तों अचीव कर सकता है वो 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, ये दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड स्पीड रहता है। और दोनों गाड़ी का दोस्तों जो फ्यूल एमिशन नॉर्म्स है वो BS6 फेज 2 के साथ ही आ जाता है। जो फ्यूल टैब आता है इन दोनों गाड़ी में उसका बात करते हैं। जो दोस्तों इकोमेट वाला गाड़ी है उसमें तो आप लोगों को डीजल में एक मिलेगा और जो हम लोग का 19-22 वाला मॉडल है जो हॉलेस ट्रक वो CNG में मिलता है। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इन दोनों गाड़ी में मिलता है उसका बारे में बात करते हैं। जो इकोमेट वाला गाड़ी है इसमें दोस्तों डीजल टैंक का कैपेसिटी जो मिल जाता है वो 185 लीटर्स का मिल जाता है और जो एड ब्लू का जो टैंक रहता है वो 24 लीटर्स का मिल जाता है। और जो 19-20 वाला मॉडल रहता है उसका दोस्तों CNG मॉडल में आता है तो उसका दोस्तों जो सिलेंडर कैपेसिटी मिल जाता है वो 1080 लीटर का जो है वो मिल जाता है। तो इस गाड़ी में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो बहुत सारे ऑप्शन में मिलता है, तो उसका बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो मेरे इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। आइए अब इन दोनों गाड़ी का डिजाइन और कॉन्फिगरेशन के बारे में बात करते हैं। जो वेरिएंट मिल जाता है दोस्तों इन दोनों गाड़ी में जो 19-22 वाला मॉडल है वो तो काबुली चेसिस का और कैबिनेट चेसिस का ऑप्शन में मिलता है। जो इकोमेट वाला गाड़ी है वो दोस्तों कैबिनेट चेसिस और कैबिनेट लोड बॉडी का ऑप्शन में मिल जाता है। जो लोड बॉडी आ जाता है दोस्तों वो दोस्तों हम लोग का जो 19-22 वाला मॉडल है वो तो चेसिस का साथ ही मिलता है, लेकिन जो इकोमेट वाला गाड़ी है वो फिक्स साइड डेक, ड्रॉप साइड डेक और हाई साइड डेक का ऑप्शन मिलता है। जो GVW ऑफर करता है ये दोनों गाड़ी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया 18,500 केजी का जो GVW है ये दोनों गाड़ी ऑफर कर रहा है। जो एक्सेल कॉन्फिगरेशन आता है वो 4x2 का ऑप्शन में मिलता है। जो कैबिन टाइप आता है दोस्तों वो आप लोगों को स्लीपर कैबिन में मिलेगा जो 19-22 वाला मॉडल है, और जो दोस्तों हम लोग का इकोमेट वाला मॉडल है वो स्लीपर कैबिन और टे कैबिन दोनों ऑप्शन में मिलता है। जो कैबिन का टिल्ट मैकेनिज्म होता है वो दोस्तों जो इकोमेट वाला गाड़ी है वो मैनुअल है, टिल्टेबल रहता है, लेकिन जो 19-22 वाला मॉडल है उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जो चेसिस फ्रेम मिल जाता है जो इकोमेट वाला गाड़ी है उसमें दोस्तों बोल्टेड लैडर टाइप का चेसिस फ्रेम मिल जाता है। जो 19-22 वाला मॉडल है उसमें दोस्तों HFC Q550 लैडर टाइप का चेसिस मिल जाता है, तो हेवी चेसिस जो है वो आप लोगों को 19-22 वाला मॉडल में मिल जाएगा। जो फ्रंट एक्सेल आ जाता है दोस्तों दोनों गाड़ी में रिवर्स्ड आई बीम इरोड टाइप का जो फ्रंट एक्सेल है वो मिल जाता है, और जो रियर एक्सेल मिल जाता है वो फुल्ली फ्लोटिंग बेंजो टाइप एक्सेल दोनों ही गाड़ी में मिल जाता है। जो फ्रंट सस्पेंशन आता है दोनों गाड़ी में वही दोस्तों सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग वाला फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है दोनों ही गाड़ी में, और जो रियर सस्पेंशन आता है वो दोनों गाड़ी में दोस्तों आप लोगों को सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग वाला मिल जाता है, लेकिन दोस्तों जो 19-22 वाला मॉडल है इसमें आप लोगों को सेमी इलेक्ट्रिकल मल्टी स्प्रिंग विद हेल्पर लिफ्ट स्प्रिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है जो 19-22 वाला मॉडल है उसमें। तो 19-22 वाला जो मॉडल है इसका दोस्तों जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू इकोमेट वाला गाड़ी। जो टायर आ जाता है इन दोनों गाड़ी में उसका बात करते हैं। दोनों गाड़ी में सेम टाइप का टायर साइज मिल जाता है, यानी दोस्तों 295/90 820 का ट्यूब टायर मिल जाता है कंपनी द्वारा दोनों ही गाड़ी में। और जहाँ तक बात है फीचर्स का, तो दोस्तों दोनों ही गाड़ी में आप लोगों को पावर स्टीयरिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो एडजस्टेबल सीट्स, ये सब कुछ ही मिल जाएगा। वो तो आपका ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं क्या करते हैं। तो फीचर्स जो है वो दोनों ही गाड़ी में आप लोगों को मिल जाएगा। एसी का ऑप्शन दोनों गाड़ी में नहीं मिलेगा। जो ये ब्रेक्स आता है वो दोनों गाड़ी में एयरब्रेक्स ही मिल जाता है। तो आप बताते हैं दोस्तों आपको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए इनमें से, इन दोनों में से कौन सा गाड़ी आपको लेना चाहिए। तो क्लियरली दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हैं जो 19-22 वाला मॉडल है ये दोस्तों एक हेवी ट्रक है, हॉलेज ट्रक है, इसका माइलेज भी कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा पावर भी मिलेगा। तो ये जो ट्रक है दोस्तों अगर आप लोगों का एप्लीकेशन है दोस्तों जो कंटेनर एप्लीकेशन, जो लोड लेके दोस्तों बहुत लंबी दूरी हेवी लोड एक हेवी ट्रक चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो आप लोग 19-22 का साथ ही जाइए। और अगर दोस्तों आप लोग का इंटरसिटी या फिर इंटरसिटी में फास्ट डिलीवरी करना है तो उन तरह के सीनरी में आप इकोमेट स्टार 19-15 वाला जो मॉडल है उसका साथ जाइए, तो ज़्यादा कमाई ये दोनों ये गाड़ी आप लोगों को करके दे सकता है, क्योंकि 19-15 जो मॉडल है इसमें माइलेज ज़्यादा मिल जाएगा, इसका जो दोस्तों टर्न अराउंड टाइम है ये भी कम मिलेगा। वहीं पर ही जो 19-22 वाला मॉडल है दोस्तों ये दोस्तों हेवी ट्रक है, इसका माइलेज थोड़ा कम मिलेगा, इस गाड़ी का दोस्तों जो मेंटेनेंस है वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, इस गाड़ी का तो दोस्तों CNG ऑप्शन भी मिलता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है और दूसरा फ्यूल का। तो मिला जुला के देखा जाए तो अगर आप लोगों को हेवी ट्रक चाहिए तो आप लोग 19-22 के साथ जाइए, और अगर आप लोगों को एक इंटरसिटी या फिर इंटरसिटी में कोई चलाने के लिए गाड़ी चाहिए जिसका GVW वही 18,500 केजी के आसपास है तो आप लोग 19-15 का साथ जो इक्विपमेंट वाला गाड़ी है उसका साथ चाहिए। और अगर दोस्तों आप लोगों का मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन इन दोनों गाड़ी के ऊपर, तो कमेंट में जरूर से लिखेगा, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का। और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी इनेबल रख लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग वीडियो को जल्दी से देख पाए। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को अशोक लेलैंड का सभी ट्रक्स के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को देखिए जहाँ पर मैंने सभी अशोक लेलैंड के जितने भी ट्रक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश किया है, उसका आई बटन लिखा रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो आप बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ी का जो प्राइस जो है दोस्तों, अवेलेबिलिटी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इकोमेट वाला गाड़ी रहता है दोस्तों इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइसिंग रहता है वो आप लोगों को 28 लाख से लेकर 30 लाख का आसपास जो है ऑन रोड प्राइस इस गाड़ी का आ जाएगा। और वहीं पर ही जो CNG वाला गाड़ी रहता है 19-22 इस गाड़ी का जो प्राइसिंग रहता है वही दोस्तों 28 लाख से लेकर 32 लाख का आसपास इस गाड़ी का भी प्राइसिंग ऑन रोड मिल जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों 1-2 लाख ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को जो 19-22 वाला मॉडल है उस गाड़ी में, उस गाड़ी का प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और जहाँ तक बात है माइलेज का, तो दोस्तों जो इकोमेट वाला गाड़ी रहता है जो 19-15 वाला मॉडल जो डीजल में चलता है उसका माइलेज आप लोगों को 5 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मेरे से ठीक नहीं होगा। और वहीं पर ही जो CNG वाला गाड़ी रहता है 19-22 मॉडल वाला मॉडल उस गाड़ी में दोस्तों अगर आप लोग 1200 लीटर का जो
फ्यूल टैंक कैपेसिटी लेते हैं तो उस गाड़ी का जो माइलेज, उस गाड़ी का जो रेंज रहेगा वो आप लोगों को 1150 किलोमीटर का जो रेंज है वो मिल जाएगा। तो दोनों का जो माइलेज है या फिर रेंज है वो अच्छा ही मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो तब तक देखने के लिए, तो मिलते हैं और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।